بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمين، हमें इन्हें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमें स्टाइल को डिस्कस करना है। स्टाइल इसके लिए इस्तेमाल होते हैं और इसका कमांड को अप्लाई कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बस करा है मुख्तलिफ किस्म स्टाइल है, मुख्तलिफ किस्म स्टाइल हमें खास टैक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। फर्ज का ये टैक्स मैंने लिख दिया, इस टैक्स पर हमें एक स्टाइल के स्टाइल अप्लाई करते हैं। फर्ज का ये स्टाइल बाई डिफॉल्ट अप्लाई है, नॉर्मल स्टाइल है। ये दूसरा स्टाइल तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके भी अप्लाई करें तो टैक्स इस तरह हो गया। फिर उसका ये सेलेक्ट करके तो उस पर क्लिक करें तो उसके इस लाइन में जो परिक्रमा के दरमियान स्पेस और कम हो गया। इसके अलावा हेडिंग वाला स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस की हेडिंग टू वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद और स्टाइल भी है जिस बटन पर क्लिक करें तो लायर हो जाएगा। ये फर्ज का इसी वाला स्टाइल अप्लाई करना हो गया, ऐसा जो भी हो स्टाइल अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसका अप्लाई कर दिया। ये है मुख्तलिफ किस्म स्टाइल। अब हम आते हैं चेंज स्टाइल्स। चेंज स्टाइल के अपने कमांड है सेट स्टाइल्स। ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्मल फैंसी जो भी हो सेलेक्ट कर दे 2003 और स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं 2007 वाले 2003 वाले के एक स्टाइल है। और अगर 2007 वाला स्टाइल आप अप्लाई करना होगा वैसे भी 2007 तो 2007 वाला स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। रिसेट टूरिफिक स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। रिसेट की मानी है अपनी पुराने कंडीशन को ले आना होगा, ऐसे लेकर वह पुराने कंडीशन पर अपना टैक्स छोड़ लें तो वो अपने कंडीशन पर रह जाएगी। यहाँ से रजिस्टर डॉक्यूमेंट क्विक स्टाइल्स सेव एज ए क्विक स्टाइल सेट्स भी तो एज ए टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से जगह स्पेसिफाई कर, यहाँ से फाइल को नेम देकर उसका उसको हमें क्विक स्टाइल नेम के हिसाब सेव किया। आप देखें डेस्कटॉप पर फाइल आ जाएगी, ये स्टाइल वाला फाइल है, ये स्टाइल इधर मौजूद हो रहेगा। यहाँ से कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कलर जो थीम वाले कलर में अभी अप्लाई नहीं होते, अभी अप्लाई हो गया है, मतलब उसमें थीम्स कलर है। अगर ये अप्लाई नहीं होता था तो पर इसका टेक्स मैंने राइट किया है। यहाँ से अभी ये थीम्स कलर जो है ना काम नहीं करते हैं क्योंकि इस पर स्टैंडर्ड कलर अप्लाई है और यहाँ से ये थीम्स कलर हैं दोनों को परमानेंट बनाया गया है। यहाँ से थीम्स कलर में से कोई भी कलर सेलेक्ट करके और तो उसका मैंने ये सेलेक्ट किया। अब इधर आ जाए तो थीम्स कलर से कोई भी कलर जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, काम करते हैं। इसके अलावा हम क्रिएट न्यू थीम्स कलर की वजह से हम एक न्यू कलर भी बना सकते हैं। यहाँ से कस्टम कलर को नेम भी दे सकते हैं, पर उसका मैंने इसको नेम किया CAT जैसा लगे नाम से मैं कलर बनाता हूँ। फिर उसका टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर कैसा है, ये है बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। ऐसे मुख्तलिफ किस्म कलर के मिलते हैं, लाइट डार्क इस पर वीडियो देखते हैं।
सेव करते हैं यहाँ से, इधर आकर और सी डी वाले आ जाएगी, यहाँ से क्लिक करके लिखा रिप्लाई हो जाएगा। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ से भी आप किसी भी फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट और ये फॉन्ट ये दोनों एक जैसे है। सीधे से डिफॉल्ट इस पर क्लिक कर डिफॉल्ट पर हो जाएगा, डिफॉल्ट ऐसा है जैसा कि मौजूद हालत में वही डिफॉल्ट में रहेगी। फॉन्ट की मदद से हम किसी वर्ड्स को तलाश करते हैं, ऐसे वर्ड इंटर करके फिर उसका करंट फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करके तो करंट वर्ड्स सर्च हो जाएगा। अगर दूसरा वर्ड्स भी हो यहाँ से भी क्लिक करके दूसरे भी तलाश हो जाएगा, ऐसे तीसरा कितने भी जितने भी हो तो तलाश कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से ये हाईलाइट जो वर्ड्स हम फाइंड करते हैं वो हाईलाइट करना होता है, यहाँ से इस पर क्लिक करके तो हाईलाइट सब तो सब करंट के नेम से जो हाईलाइट हो जाएगा जितने भी हो तो सारे वर्ड्स करंट वर्ड्स हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट का नाम या इस तरह कलर इस तरह ये हाईलाइट कलर ऐसा हो गया। यहाँ से इसे क्लोज करके हाईलाइट कलर चेंज करते हैं, यहाँ से भी हाईलाइट कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से रिप्लेस करने से हम किसी वर्ड ये दूसरे वर्ड को रिप्लेस करते हैं, तब्दील कर सकते हैं। करंट है इस करंट नेम के बजाय हम किसी दूसरे वर्ड्स को लगाना पड़ता है, करंट के बजाय हमें प्रेजेंट वर्ड्स लगाना हो जाए ऐसे रिप्लेस पर हम रिप्लेस करते हैं, ये करंट के नाम पर रिप्लेस हो गया। करंट के बजाय रिप्लेस आ गया। अगर इस रिप्लेस आल पर क्लिक करें तो सारे करंट वर्ड्स प्रेजेंट के नेम पर रिप्लेस हो जाएंगे, ऐसे क्लिक करके तो कंप्लीट हो जाएगा।